हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रज्ञा सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ वेबसाइट, व्हाट इज अ वेब होस्टिंग एंड वेब पब्लिशिंग। ओके फ्रेंड्स, अब हम कुछ वेब होस्टिंग के बेसिक्स देखते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो वेब होस्टिंग देखने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है? देखिए, वेबसाइट दो से अधिक वेब पेज का कलेक्शन होती है। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है? आप सब लोग जान चुके हो कि वेबसाइट बनाने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? HTML। अब HTML की लैंग्वेज से क्या होता है, हम एक एक वेब पेज बनाते हैं। यानी HTML और JavaScript, CSS ये सब आपने पढ़ी लिया, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक एक वेब पेज बनाते हैं। यदि आपने HTML, CSS, JavaScript नहीं पढ़ी तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके द्वारा, HTML के द्वारा आप वेब पेज बनाते हो। वेब पेज का कलेक्शन क्या होता है? वेबसाइट होता है। जैसे कि आप कोई रजिस्टर लेते हो, कोई पैन लेते हो, कोई रजिस्टर देखते हो, कोई बुक देखते हो, तो कोई भी रजिस्टर या बुक क्या है? पेजों का कलेक्शन है। कई सारे पेजों का जब कलेक्शन हो जाता है, कई सारी पेजों को हम बाइंड अप कर देते हैं, तो वो रजिस्टर या किताब का एक रूप ले लेती है। इसी प्रकार प्रत्येक वेब पेज को जब हम कलेक्ट करते हैं, कई सारे वेब पेज को हम कलेक्ट करते हैं, तो एक वेबसाइट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये वेबसाइट का निर्माण बेसिक जो लैंग्वेज इसकी चाहिए वो चाहिए आपको HTML। ठीक है, वेबसाइट दो या दो से अधिक वेब पेज का कलेक्शन होता है जिनको हाइपरलिंक द्वारा आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ आपको हाइपरलिंक क्या होती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट से जो भी कनेक्ट होता है पेज वो क्या कहलाती है, हाइपरलिंक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट, जैसे कि सपोज ये मैंने ओपन किया आपके सामने फेसबुक की वेबसाइट। अब ये जो कोई भी फेसबुक की वेबसाइट है, ये क्या है, कई सारी पेजों का कलेक्शन है। ठीक है, या फिर मैं कोई और वेबसाइट ओपन करके बताती हूँ आपको, जैसे कि मैं आपको कोई वेबसाइट ओपन करके बताती हूँ, मैं आपको ओपन करके बताती हूँ यहाँ पे राजस्थान वेबसाइट का। uniraj.ac.in वेबसाइट है। सपोज मैं आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी को ओपन करती हूँ। अब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये आपको दिख रहा है सामने, ये बेसिकली क्या है, ये वेबसाइट का एक वेब पेज है। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं, अब ऐसा नहीं कि इस वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही वेब पेज हो, इसमें कई सारे वेब पेज का कलेक्शन रहता है। जैसे कि सपोज ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से ओपन हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से जब ये ओपन हो गया, तो ये जो सामने दिख रहा है वो वेबसाइट का क्या है, सिर्फ एक वेब पेज है। अब इस वेब पेज से कई सारे पेज कनेक्टेड है। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करती हूँ, तो क्लिक करके मुझे क्या होगा, अन पेज ओपन हो गया। तो जो भी चीज मुझे ओपन होती हुई दिख रही है वो क्या है, वेब पेज है। ठीक है, जो भी चीज मुझे क्लिक करने के बाद ओपन होके दिख रही है वो क्या है, वेब पेज है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज का कलेक्शन क्या होती है, वेबसाइट होती है। ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेज है वो आपस में किसके द्वारा कनेक्ट है, एक हाइपरलिंक के द्वारा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ हाइपरलिंक क्या होती है। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक करा, जैसे सपोज यहाँ पे मैं किसी पे भी क्लिक करूंगी, तो जब मैं क्लिक करती हूँ इस पे से किसी पे भी, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो क्लिक करते ही क्या होगा, इस तरीके का मुझे एक पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, जिस टेक्स्ट पे, इस टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ तब एक अन्य वेब पेज ओपन होता है, ये वाला। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है इस टेक्स्ट से ये वाला वेब पेज जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है, मतलब पर्टिकुलर टेक्स्ट से पर्टिकुलर कोई वेब पेज जुड़ा हुआ है, तो जिस लिंक के द्वारा जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ओके, तो हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, वेबसाइट दो या दो से अधिक वेब पेजों का कलेक्शन होती है जिसको हाइपरलिंक द्वारा आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है। जितने भी वेब पेज उन सबको हम आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, हाइपरलिंक के द्वारा। ठीक है, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए HTML, CSS, JavaScript, PHP आदि लैंग्वेजों का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी आपने जो देखा HTML, CSS, JavaScript, ये बेसिकली हमारे वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप वेब पेज को डिज़ाइन करना सीखते हैं कि हम अपने वेब पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमको और अन्य लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे कि PHP। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखते हैं वेबसाइट सर्फिंग क्या होता है। वेबसाइट सर्फिंग क्या होता है देखते हैं। हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना इंटरनेट सर्फिंग कहलाती है। ठीक है, जब आप किसी एक वेब पेज पे, और यहाँ से यदि आप अन्य वेब पेज पे पहुँच गए यहाँ पे क्लिक करके, तो जब आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे पहुँच जाते हैं, तो ये चीज़ क्या कहला रही है, इंटरनेट सर्फिंग।
अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं वेब पब्लिशिंग क्या होता है। अपनी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करना क्या कहलाता है? वेब पब्लिशिंग कहलाता है। अपनी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करना, होस्टिंग करना या उस वेबसाइट को मेंटेन रखना वेब पब्लिशिंग कहलाता है। वेब पब्लिशिंग यानी आपने वेबसाइट बना तो ली, आपने HTML, CSS, JavaScript, PHP का यूज़ करके वेबसाइट बना तो ली, लेकिन पब्लिश कैसे होगी? जैसे कोई किताब बन तो गई लेकिन पब्लिश होने के लिए जाती है, तभी तो पब्लिश होती है, तभी तो पूरी दुनिया को पता चलती है, ठीक है। इसी प्रकार आपकी वेबसाइट बनने के बाद पब्लिश होती है। पब्लिश कब होती है? पब्लिश तब होगी जब आप अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पर स्टोर कर दोगे, यानी अपने वेबसाइट को किसी सर्वर पर जाकर रख कर आओगे, ठीक है। तो सर्वर पर जाके जब आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को क्या कर रहे हो? पब्लिश कर रहे हो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम होस्टिंग भी बोलते हैं। अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पर रखना, यानी इसको हम बोलते हैं वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। और फिर होस्टिंग के बाद जब आप एक बार वेबसाइट होस्टिंग कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि बस होस्ट कर दिया काम खत्म, आपको कंटिन्यूस वेबसाइट को मेंटेन भी करना होता है, ठीक है। उसके अपडेट्स वगैरह हर चीज़ का ध्यान रखना होता है टाइम टू टाइम। अच्छा, होस्ट जब आप करते हैं तब, अच्छा होस्ट करने के लिए भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि हम आगे देखेंगे, वेब होस्टिंग में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं वेब पब्लिशिंग की तरफ ही, ठीक है। वेब पब्लिशिंग आप फ्री में भी कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग बनाना, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल अपलोड करना, ये सब चीज़ें क्या वेब पब्लिशिंग है। बेसिकली सिर्फ फेसबुक पे आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो, अपनी प्रोफाइल, अपनी फोटो डाल रहे हो, वो भी आप क्या कर रहे हो? सब पूरे पब्लिकली यानी सोशल मीडिया के सामने आप अपनी पिक्चर को तो लेकर आ रहे हो, पब्लिश ही तो कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल साधारण पब्लिशिंग है जो फ्री में होती है। आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। तो कुछ वेब होस्टिंग कुछ वेब पब्लिशिंग फ्री में होती है, कुछ वेब पब्लिशिंग के लिए पैसे लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो वेब होस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। वेब होस्टिंग क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली एक सर्विस है जिसमें कंपनी आपकी वेबसाइट को अपने सर्वर पे होस्ट करती है, और इस प्रकार की कंपनी को जो सर्वर रखती है होस्टिंग कंपनी कहलाती है। देखिए, आप तो सिर्फ अपनी वेबसाइट बना रहे हो, सपोज आपने कोई वेबसाइट अपनी बनाई, ठीक है। अब आप यदि उस वेबसाइट को अपने ही कंप्यूटर पर रखोगे तो पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा, ठीक है। यदि आप अपनी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर रखे और आप चाहते हो आपकी वेबसाइट सब पूरी दुनिया देखे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी वेबसाइट को किसी सर्वर पर होस्ट करके आना होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे हम अपने कंप्यूटर पर क्यों नहीं होस्ट कर सकते, अपने कंप्यूटर को ऐसे सर्वर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। उसके लिए शर्त है कि आपका कंप्यूटर सर्वर जैसा होना चाहिए, यानी सर्वर जैसी उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी उसकी स्पेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अच्छा वाला प्रोसेसर यूज हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ शर्त क्या है? वो पूरे टाइम ऑन रहे। आप उस कंप्यूटर का पूरा बकायदा ध्यान रखना होगा, बकायदा उसमें वेबसाइट में कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अप डाउन स्थिति सब कुछ आपको देखना होगा, यानी 24 घंटे फिर आपको उस वेबसाइट में उस कंप्यूटर के सामने बैठकर मतलब एक तरीके से देना होगा पूरा टाइम। बेटर होगा कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई और किसी सर्वर पर स्टोर कर दी। जब आप किसी अपनी वेबसाइट बनाते हो, किसी सर्वर पर स्टोर करके आते हो, तो फ्री में नहीं आपकी वो वेबसाइट रखता है, वो सर्वर कंपनी क्या करती है? आपसे कुछ पैसा लेती है उसके लिए। तो जब आप उनको पैसा देते हो तो वो आपकी वेबसाइट का प्रॉपर ध्यान रखती है, प्रॉपर अपडेट रखती है आपकी वेबसाइट को, है ना। सर्वर कंपनी वाले आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, और ये चीज़ क्या कहलाती है? वेब होस्टिंग कहलाती है। और इसके लिए वो आपसे कुछ चार्ज लेते हैं। फ्री में तो आपका काम करेंगे नहीं, आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां जो कि आपकी वेबसाइट को होस्ट करती हैं, यानी आपकी वेबसाइट को स्टोर करके रखती हैं, हम उसको बोलते हैं होस्टिंग कंपनी। ओके, फाइन, समझ में आ गया। अब जैसे कि अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, तो क्या बोल रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट डेवलप की है और आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट को पूरी दुनिया में इंटरनेट के द्वारा एक्सेस हो, यानी सभी लोग इंटरनेट द्वारा आपकी वेबसाइट को देख सकें। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट सर्वर पर रखनी होगी, पर सर्वर आपको मिलेगा कहाँ? ये भी तो एक बात है, सर्वर आपको मिलेगा कहाँ? तो ऐसी कई कंपनियां होती हैं जो सर्वर को रखती हैं, यानी उनका काम होता है सर्वर को मेंटेन करना, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद इन कंपनियों के सर्वर पर रख सकते हैं। आपने कहीं सुनी भी होंगी GoDaddy, इस तरीके की सुनी होंगी। पहले वो स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट को होस्ट करती है, और शायद फ्री में करती है। अभी बीच में ऑफर चला था GoDaddy का, अभी है या नहीं देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इस तरीके कंपनी कई ऑफर भी चलाती है कि 90 डेज के लिए हम आपका फ्री में होस्ट करेंगे, ठीक है, 90 डेज के बाद आपको मनी देना होगा। तो आपने इस तरीके कई सारे सर्वर का नाम सुना होगा, GoDaddy और इस तरीके से। तो इस तरीके से कई होस्टिंग कंपनी होती है जो कि वेबसाइट को होस्ट करती है, ठीक है। अपनी वेबसाइट को कंपनी के सर्वर पर रखना ही वेब होस्टिंग कहलाता है।
अपनी वेबसाइट को सर्वर पे रखने के लिए आपको कंपनी को रेंट भी पे करना होता होगा, सॉरी रेंट भी पे करना होता है, और वेबसाइट के लिए डोमेन नेम भी खरीदना होता है। आपको अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम यानी जैसे कि आप देखते होगे डोमेन नेम किसको बोलते हैं, वेबसाइट का पर्टिकुलर कंप्यूटर नेम होता है। जैसे कि डोमेन नेम से हम समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए facebook.com, तो फेसबुक क्या है, फेसबुक एक नेम है वेबसाइट का, तो ये क्या है उसका एक डोमेन नेम है। तो इस तरीके से आपको डोमेन नेम अपने परचेस करना होता है, आपको अपनी वेबसाइट का कोई ना कोई प्रॉपर नेम बताना होता है, और उससे वो क्या होती है, उस नेम के द्वारा वो क्या होती है आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी में देखिए तो यूनिराज है, तो यूनिराज इसका क्या है, डोमेन है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिराज ने जब अपनी वेबसाइट बनाई होगी तो यूनिराज एक डोमेन परचेस किया होगा होस्टिंग कंपनी के द्वारा, और यूनिराज से वो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी वेब होस्टिंग, और वेब होस्टिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस तरीके से आपके सामने हैं। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं परीक्षा के लिए। ओके ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बने रहिएगा वीडियो लेक्चर में। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।